बिजली महादेव मंदिर प्रबंधक कमेटी मथान के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज कमेटी के अध्यक्ष विनंदर जम्वाल और कारदार की अध्यक्षता में बिजली महादेव रोपवे निर्माण को लेकर डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग को एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे। बिजली महादेव मंदिर प्रबंधक कमेटी ने डीसी से सशर्त रोपवे निर्माण करने का आग्रह किया है और कहा है कि अगर प्रशासन इन शर्तों को पूरा करता है तो मंदिर प्रबंधक कमेटी को रोपवे निर्माण में कोई आपत्ति नहीं है। ज्ञापन में कहा गया है कि बिजली महादेव रोपवे का निर्माण महादेव परिसर से उचित दूरी पर किया जाए, सरोवर से रोपवे की उचित दूरी बनाए रखने को भी कहा गया है। साथ ही कमेटी ने माहौल से बिजली महादेव तक जब भी देवता साहिब का रथ रोपवे के नीचे से गुजरे तो उस दौरान रोपवे का संचालन कुछ समय के लिए बंद करने को भी कहा है। इसी के साथ मंदिर से संबंधित कोई भी जरूरी सामान ऊपर नीचे लाने या ले जाने में रोपवे प्रबंधन को किसी भी प्रकार का किराया नहीं वसूलने को भी कहा है और निःशुल्क लाने और ले जाने में सहायता भी करनी होगी। बिजली महादेव हमारे जो आराध्य देवता है, प्रमुख स्थान है, हम सभी देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। जब इसका सर्वेक्षण भी किया गया था तो सभी को पूछा गया था कि देव स्थल कौन कौन से हैं, लेकिन फिर भी देखिए बड़ी परियोजनाएं आती है तो कई तरह की आशंकाएं भी लोगों की रहती है। ऐसे में उनकी कुछ आशंकाएं थी, उन्होंने उनको जो है उपायुक्त महोदय के माध्यम से उन्होंने पेश किया है, जैसे कि देव स्थलों से छेड़छाड़ ना की जाए, एक इंच भी जो देवी देवता की जमीन पे कहीं प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, ये बिल्कुल साफ है। ये हमारी सरकार की मंशा साफ है, प्रशासन की मंशा साफ है। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन का एक हिमाचल के लिए क्या पूरे भारतवर्ष में वाराणसी के बाद एक बड़ा योजना ही है जिसके लिए केंद्र सरकार के भी हम धन्यवादी हैं। लेकिन हिमाचल सरकार ने जो तत्परता दिखाई है और एक रिकॉर्ड टाइम में 7 दिनों में इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस हो रही है और उसके साथ में जो हमारे प्रशासन ने नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड उन्होंने जो किया है, लेकिन जो देवता कमेटी है उनकी भी बातें जायज है, रोजगार की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल हिमाचलियों को जो है जहाँ तक संपूर्ण रोजगार हिमाचलियों को मिलना चाहिए, क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए, खाड़ और पीली घाटी के लोगों को मिलने चाहिए, कोटी काइस को मिलने चाहिए जिनका पहला अधिकार है। उसके साथ में जो देवता कमेटी का जो सामान जाए, जो कारकरिंदे हैं उनमें जो है उनको निःशुल्क वो ऊपर सामान ले जाने की देवता का वो उन्होंने मांग की है, बिल्कुल उसके गौर होना चाहिए। और बाकी जो जब देवता परिक्रमा पे निकले तो पूरा रोपवे का जो उस दौरान वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल जायज मांग है, देव परंपरा है उसको भी हम बिल्कुल मानते हैं। ऐसे में उन्होंने बहुत जो भी काफ़ी मांगे उपायुक्त महोदय के पास रखी है, मैंने तो अभी ज़्यादा नहीं देखी है, लेकिन मुख्य तौर पर जो मांगे रखी है, लेकिन मैं समझता हूँ मैं उनके साथ हूँ और हम चाहेंगे कि उन मांगों का हल हो।